दोस्तों आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मालूम है आपको, एसडी टेक पे एजुकेशन चैनल है और उस पे कोई भी चीज रहता है तो हर एक चीज, क्लास फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन, एट, नाइन, टेन, हर एक चीज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पढ़ाया जाता है। कोई भी अपडेट आता है वे भी बताया जाता है। बट आज आपको मैं एसडी टेक का जो एसडी अकेडमी क्लासेस है उसके, हमारे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे इस समय क्लास नाइन्थ में, और अभी तक बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे क्लासेस सर पढ़ाते भी है, बहुत सारा क्लासेस भी चलता है, बट उसमें क्या होता है, संडे को छुट्टी रहता है। बट यहाँ पर देखोगे हम कहीं जाते नहीं पढ़ाने, हमारे सब स्टूडेंट है क्लास नाइन्थ के बाद, और काफी बारिश की वजह से बंद भी किया, आज आए भी नहीं है, बट जितने भी आए आप देख सकते हो बैठने का जगह हो नहीं रहा है। अब इसके बाद और बता दिया जाए कि संडे को हमारा जो क्लास है स्पेशल 4 घंटे का चलता है, बाकी कंटिन्यू जो भी रहता है 2 घंटे का क्लास रहता है। बट अभी वैसे देखा जाए तो संडे को जब हर एक क्लासेस का स्कूल का छुट्टी रहता है तो हमारे क्लास में 4 घंटा 9th और 10th को पढ़ाया जाता है। ये पूरे बच्चे जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब खाली कौन से क्लास के हैं, 9th क्लास के। तो अभी इनसे पूछ लेते हैं कितना पढ़ रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इधर एक हमारे अभिषेक है। अभिषेक आप डेली आते हो पढ़ने? डेली आते हो पढ़ने, सही बताना। ये बस बोलते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ने में बहुत तेज है, स्वामी विवेकानंद में पढ़ता भी है, और जस्ट मेरे जो क्लास है एसडी एकेडमी उसके जस्ट 10 रूम छोड़ के ही है, तो भाई उसमें रहते लेकिन आ नहीं पाते बराबर से, बारिश की वजह से पानी डूब जाता है, नहीं बाकी रेगुलर आते हैं और अपने क्लास में पढ़ने में सबसे तेज है। बैठ जाओ सर। और इधर देखोगे विपिन है। विपिन आपको मजा आ रहा है कि नहीं आज? बहुत मजा आ रहा है। हाँ आपका नाम क्या है लेकिन? विपिन विश्वकर्मा। विपिन विश्वकर्मा, ये लड़का कारगिल में रहता है, इसका थोड़ा बिजनेस भी है, अब उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, बट पढ़ता बहुत अच्छा है, मेहनत भी बहुत अच्छा करता है, तो कोई बात नहीं, बैठ जाए सर। अब इधर देखेंगे जो हमारे क्लास 9th का सर, हर एक क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता है जो बोलते हैं ना कि एकदम सबसे अलग, तो हमारे, आपका नाम क्या है सर? यश झा। ये बहुत हमारे क्लोज है और बहुत खास स्टूडेंट है, आज से नहीं इनको, मेरे को लगता है लमसम 7-8 साल से पढ़ रहे एसडी टेक में, एसडी एकेडमी में। अरे भाई पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है? डिवाइन प्रोविजन हाई स्कूल। डिवाइन में पढ़ते हैं, अगर जो मुंबई में रहते रहेंगे और इधर संतोष जोन में रहते रहेंगे तो उनको डिवाइन के बारे में मालूम होगा कितना अच्छा स्कूल है, और अपने क्लास में फर्स्ट नहीं तो कभी काल सेकंड, नहीं तो फर्स्ट तो आ ही जाते हैं, कभी काल नंबर थोड़ा क्या होता है, इनका तबियत थोड़ा खराब हो जाता है, नहीं तो बाकी इनका नंबर बहुत अच्छा। और अपने ये इतने लोग को देख के आपको लगता रहेगा इस लड़के का, इसीलिए फर्स्ट बेंच पे, ये जो चारों बैठे हमारे क्लास में सबसे तेज है रिया। और उसके बाद ए भाई कभी काल काम नहीं तो, और आपका टेस्ट वेस्ट होता है कि नहीं यहाँ पर? होता है, एग्जाम से पहले हो जाता है टेस्ट, तो आपको आ रहा है, सब अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत करता और अच्छा लड़का, ऐसा कोई बात नहीं, पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है, तो बैठ जाओ यस। और उनके खास मित्र एक इधर है कृष्णा। अभी मैं आपको बस 9th के बारे में बता रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे तो हमारे बहुत स्टूडेंट है, सबके बारे में बताते जाएंगे तो फिर मेरे हिसाब से लगता है आपको नींद आने लगेगा। ये हमारे स्टूडेंट जो है इनका नाम है कृष्णा, ए यस के खास फ्रेंड है, एक ही साथ में बैठ के पढ़ते हैं इन लोग दिन भर, बोल सकते हैं अभी यहाँ से जाने के बाद भी इन लोग बस आधे घंटे बाद, ए इन कहाँ रहते हो सर आप? जस्ट इस क्लास के थोड़ा सा 15 मिनट के दूरी पे एक बिल्डिंग है, उसमें ही रहते हैं, तो दोनों जन एक साथ में सेपरेट रूम है, इनके पिता श्री दिलाए हैं, उसी में दोनों जन बस पढ़ाई करते हैं कंटिन्यू, अभी जाकर पूरा दिन और पूरा इनको पूरा, मेरे हिसाब मैथ का आपका कितना चैप्टर होगा, 2 चैप्टर होगा पढ़ के, अलजेब्रा 2 चैप्टर, पूरा एक एक प्रॉब्लम से एक एग्जाम्पल हर एक चीज एकदम याद है, कोई टेंशन नहीं, सब ये दोनों एकदम क्लास के टॉपर। आपके स्कूल का नाम सर? राणा प्रताप में पढ़ते हैं सर, अगर आप जानते रहोगे तो कमेंट करके जरूर बताना, बैठ जाओ कृष्ण। अभी देख सकते हो इनका नाम है सूरज, और इधर एक हमारे और नवाब बैठे, ये सब टॉपर है सर, आप समझ सकते हो, और इधर लाइन से अभी एक एक जन का नाम लेंगे तो बहुत तकलीफ होगा, हमारे क्लास में कुछ बॉडीगार्ड भी है जैसे बोल सकते हैं, अभी एक राहुल भाई है, ये राहुल भाई अच्छे अभी क्लास 9th में है लेकिन थोड़ा पढ़ाई करने में इनके अंदर भी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना, कुछ चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो मेहनत भी बहुत अच्छा करते हैं। राहुल अभी आपका पेपर चालू है, अभी 2 पेपर हो गया, 2 पेपर में ऐसा पेपर हुआ कि स्कूल जब जाते उससे पहले इनको नोटिस आ जाता है सर आपका पेपर कैंसिल, क्योंकि स्कूल ही बंद हो जा रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे भाई इतना मेहनत करके पढ़ते। सर आप कौन से स्कूल में हो? ट्विंकल स्टार इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो भी है उसमें पढ़ते हैं सर, 9th क्लास में, बहुत अच्छे पढ़ने में, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें जब जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो पता चलता है कि हमारा क्या बंद है, स्कूल ही बंद है, पेपर कहाँ से देंगे, कोई बात नहीं। इधर देख सकते हो सब हमारे राज शर्मा, बाकी सब
नवाब नवाब में कोई बात नहीं, सब पढ़ने तेज। इधर गर्ल्स में भी देख सकते हो, इधर एक ऐसा एक भी ऐसे नहीं है सर। आपको मालूम रहेगा कि क्लास 10th का भी हम लोग का पहले 8 घंटा हम लोग पढ़ाते थे। अभी इनको देख के ऐसा नहीं, हम मैं बोल के रखा हूँ आप बोलना। सुबह 7 बजे के आए हैं, फिर मैं 10वीं क्लास में आ चुका हूँ 10th स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पर पूछता हूँ कब से है क्लास, कितना बजे से आते हैं और कब जाते हैं वो सब, और कितना पढ़ा के हुआ वो सब मैं आप लोगों से इनसे पूछ के ही बताता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो सोनम है उनसे पूछता हूँ। सोनम थोड़ा खड़े हो जाओ, तो कितना साइंस का पढ़ के हुआ? 4 चैप्टर। साइंस 1 का? 4। साइंस 2 का? 4। और कितना कितना बार टेस्ट हो चुका? 4-5 बार हो चुका है। पढ़ाया गया बस कोटा पूरा किया गया? पढ़ाया गया है। और कितना समझ में भी आया है? समझ में भी आया है। सही सहायक बस झूठ बोल रहे हो कैमरा के सामने, बस झूठ बोल रहे हो। आया है। मैथ कितना हुआ है? मैथ 3-3 चैप्टर हुआ। 3-3 चैप्टर आ रहे कि बस वो भी आ रहा है। मैथ भी आ रहा। तो यूनिट टेस्ट में तो 6 नंबर आना चाहिए, आएगा? चलो ठीक है। और कितना बजे क्लास है? 7 से 9। संडे को तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता रहेगा, बिना खाए पिए आते हो? चलो बैठ जाओ। तो किरण इधर है, किरण खड़े हो जाओ तो थोड़ा। तो किरण कौन से मीडियम से हो तुम? हिंदी मीडियम। तो कैसा पढ़ाई चल रहा है इस समय? तो कितना लेसन साइंस का हुआ? तो कितना याद है कि 4-4 बस हो गया? पढ़ा कहाँ पर हुआ है, क्लास में कि स्कूल में? क्लासेस में हुआ है। क्लासेस का नाम बता दो थोड़ा। तो PhD एकेडमी। तो कितना चैप्टर 4-4 हो गया, तो याद भी है एक बस पढ़ा के हो गया? कितना चैप्टर याद है? 3-3 चैप्टर। और टेस्ट होता है इस क्लास में कि नहीं? कितना तो भी लम्स कितना बार हो जाता है? 5-6 बार हो गया। मैथ का? मैथ का भी हो गया। मैथ अच्छा लगता है पढ़ने में कि नहीं? पढ़ाते जो समझता है। चलो ठीक है। तो इधर तो हमारे सब भाई ही आगे, तो इधर से हमारे थोड़ा सा खड़े हो जाओ भैया। अरे तो आप कौन से क्लास में हो? 10th में। स्कूल का नाम? तो कितना कितना पढ़ा के हुआ साइंस और मैथ? कितना लेसन याद हुआ है? सही बोल रहे हो बस फेंक रहे हो? सही हुआ है याद। अच्छा कितना बार टेस्ट हुआ? 7-8 बार, मतलब सब मिला के 7-8 बार हुआ। तो मारते हैं टेस्ट लेने के बाद। अच्छा तो हमारे इधर से कुछ है हमारे, तो कौन से स्कूल में जाते हो? ये स्कूल का पहले नाम बता दो अपना। इंदिरा गांधी। हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से। तो कितना साइंस पढ़ के हुआ अभी तक में? 4-4 लेसन हो गया दोनों में। 4-4 लेसन। तो कितना लेसन लर्न है? तीन लेसन लर्न है। सही बता रहे हो, झूठ मत बोलना। सही 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 3 लेसन लर्न है। कुछ भी कहीं से कोई पूछे? चलो ठीक है। और ग्रामर वामर होता है कि नहीं? ग्रामर याद पूरा पढ़ा के हो चुका है, अभी और भी पढ़ाएंगे। और पढ़ाएंगे। और मैथ है? मैथ है पूरा 3 लेसन हो चुका है, अभी भी पढ़ रहे हैं। आ रहा है कि नहीं? बस बस बोल ही रहे हो? आ रहा है सब। आ रहा है पढ़ाई अच्छे से हो रहा है ना? एकदम अच्छे। चलो ठीक है। रोशन ये हमारे जो HD एकेडमी के हैं टॉपर हैं, और यही हैं, इनको ध्यान से देखो, जो इनको पहचानता रहे जरूर कमेंट करना। ये हमारे रोशन हैं और इस क्लास के टॉपर हैं, और हर चीज में ये पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल में तो इनका नाम हेड लिस्ट में चलता है, अब पार्टिसिपेट समझ सकते हो किस में हेड लिस्ट में चलता है। तो रोशन कितना पढ़ा के हो गया साइंस और मैथ? रेगुलर आ रहे हो कि नहीं तुम? कितना पढ़ा के हुआ साइंस? 3-3 लेसन पूरा पूरा, जहां से मन करे वहां से पूछ लो। पूछ लेते हैं मतलब याद है। चलो ठीक है बैठ जाओ। तो हमारे इधर निखिल हैं, ये भी हमारे कौन से स्कूल में भैया? मऊरा। जैसा सब लोग बोलते हैं कि क्या आप लोग पढ़ाते भी हो कि बस वीडियो बनाते हो? ध्यान से सुनना, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलता है पहली से लेकर जूनियर सीनियर से लेकर 10वीं तक। और पिछले साल के भी हमारे स्कूल के अच्छा खासा टॉपर थे 10वीं के। तो इसके लिए बोलता हूँ आप लोग को, जो वीडियो डालता हूँ अपलोडिंग करता ना उसको ध्यान से थोड़ा देखा करो। आप लोग बोलते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हो, पढ़ाते नहीं। आप पढ़ाता हूँ भैया, देखो यहाँ से 7 बजे से आए हैं, एक बार दिखा दो थोड़ा। 10वीं के हमारे स्टूडेंट हैं और एक क्लास के नहीं है,
एक स्कूल के, अलग अलग स्कूल के रहते हैं सबका। अभी बहुत जन का पेपर भी चल रहा है और बहुत जन का भी स्टडी भी हो रहा है, स्कूल में पढ़ा ही रहे, तो 15 अगस्त के बाद लेंगे बहुत सारे लोग स्कूल में पेपर। बाकी यहाँ पर ध्यान से सुना, यहाँ पर बहुत सारा हो चुका है चैप्टर जो यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो आप लोग टेंशन मत लेना। बस आप लोग को जो इन सबको मैं पेपर लेता, ध्यान से सुना। आप लोग भी ये भी कमेंट करते हो, सर क्या यही पेपर आएगा जो आप डालते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यही आएगा क्या? नहीं, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब डालता हूँ, देखो ध्यान से सुनना ये चीज। मैं प्रैक्टिस पेपर जितना होता है, प्रीलियम हुआ, वो सब पेपर पिछला था, सब कुछ एनालिसिस करने का, तब उस पेपर को मैं क्वेश्चन डालता हूँ जो आप लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग उसको करते नहीं, बाद में जाके वहां से आते हो ना तो बोलते हो सर आया नहीं, तो आप ध्यान से वीडियो देखे कहां, अगर देखे तो ताता। इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से वीडियो को पूरा देखा करो, तभी जाके होगा। इसके लिए बोलता हूँ जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8, 9, 10th का सबका डालता हूँ ना, वो चीज करके जाओ, 100% यूनिट टेस्ट में फोड़ के आओगे। अब यहाँ पर हमारे निखिल है, निखिल से थोड़ा पूछ लेते हैं। निखिल कितना चैप्टर हुआ साइंस का? 4-4 लेसन तो सब आ रहे क्या? यस सर। सब कहीं से भी पूछा जाए? यस सर। और स्कूल में कितना पढ़ा के, ग्रामर क्या हुआ? स्कूल में सर ग्रामर तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। स्टार्ट नहीं किया भैया, तो ऐसा नहीं बोलने का, स्कूल का बड़ाई नहीं करने का। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तो यहाँ पर हमारे ये भी हमारे टॉपर ही है, और हमारे बाजू में स्कूल है महुरावाल विकास जूनियर कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो वहां के टॉपर है। तो इनको भी कोई भी जानता रहे, इनके फ्रेंड कोई भी ये वीडियो देखना, जरूर कमेंट करना। तो अमित कितना पढ़ा कि यहाँ क्लास का बताओ, स्कूल का जाने तो साइंस का 4 लेसन हो गया, मैथ का 5 लेसन हो गया, अलजेब्रा ज्योमेट्री 5। तो उसमें से कितना तुमको आता है ये बता दो तो। सब आता है, तो मतलब इधर यूनिट टेस्ट में फोड़ी क्या हो गया, मतलब पूरा बस बस यही चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सत्यम है, सत्यम कौन से स्कूल में जाते हैं, स्कूल का पहले नाम बता दो तो। मॉर्निंग स्टार, तो वहां पर जाते हैं। और कितना स्कूल में कितना पढ़ा के हो गया सब कुछ? हाँ, मतलब यूनिट टेस्ट का तैयारी हो रहा है। और यहाँ पर कितना पढ़ा के हो गया? 4-5 हो गया। टेस्ट में आते रेगुलर? तुम्हारे इधर तो पानी बुड़ जाता है, पूरा डूब जाता, तो आई नहीं पाते, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं तो रेगुलर आते थे ये, कभी टेस्ट में कभी नागा नहीं किया, रोड डेली आते हैं, टेस्ट में फोड़ के जाते हैं पूरा आउट ऑफ, तो इसके लिए कभी टेंशन मत लेना। और यहाँ पर हमारे अनुराग है, ए अनुराग कौन से स्कूल में जाते हैं अनुराग? इनको भी आप लोग जानते भी रहोगे, ये MC स्टैंड के बहुत बड़े फैन है। तो कितना साइंस का पढ़ के हुआ? 4 लेसन हो गया। अच्छा कितना याद है? पूरा याद है। और संडे को बहुत तकलीफ हो जाता है आने में, क्योंकि स्कूल का छुट्टी बारिश की वजह से चल रहा है। बाकी यहाँ से 7 बजे से हम लोग बुलाते हैं, 11 बजे तक पानी भी नहीं पीने देते, कोई तकलीफ नहीं है, सब सही है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे शुभम है मिश्रा जी, तो ये अपने स्कूल का नाम बता दो। तो जैसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या सर आप में एक ही स्कूल के हैं क्या? नहीं, हर स्कूल के मेरे पास बच्चे हैं, तो उनमें क्या होता है, पेपर होते रहते हैं, एक ही बार सब स्कूल में पेपर नहीं लिया जाता। तो जो पेपर होता था वो चीज में पेपर आप लोग को देता था, तो आप लोग बोलते थे सर आपके पास पेपर है क्या? नहीं, पेपर नहीं था। तो इतने स्कूल के बच्चे मेरे पास है, तो किसी का आगे पेपर हुआ, किसी का बाद में पेपर हुआ, वो पेपर जब अपलोड मारता था तो बहुत सारा कमेंट, सर पेपर दे दो ना, पेपर ये रियल वाला है क्या? नहीं, रियल वाला नहीं रहता था, जो पेपर दे के आते थे ना वही, क्योंकि हम लोग कहीं जाते नहीं, हम लोग का फुर्सत ही नहीं अपने क्लास से, सुबह से शाम अपने क्लास में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो शुभम कितना पढ़ा के हुआ साइंस? 4-4 चैप्टर रेगुलर आते हो, आज तो बहुत तकलीफ हुआ रहेगा आने में। कितना बजे आ जाए? 7 बजे यहाँ आ गए थे। और कुछ याद भी है साइंस वाइंस की? 2-2 चैप्टर। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तो इधर हमारे सब स्मार्ट लोग हैं, बहुत तेज तेज हैं। तो सबसे पहले इधर हमारे साथ करके हैं, साथ इनके स्कूल में पेपर चल रहे हैं। अब सोचो पेपर चालू है तो भी लड़का यहाँ सुबह से 7 बजे से 11 बजे तक, और उसमें बीच में छुट्टी भी मैं सुना हो गया था, कहीं ले छुट्टी हो गया था बारिश, और सब पेपर जो जा रहे हैं वो अच्छा जा रहे की खराब? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताता हूँ उसमें आता भी है क्या? जो बताते वही तो आता है। अब सोचो
जो बताते वही आता है, मतलब मैं पेपर अब इनको दे रहा हूँ, ये बोला बोलने के लिए क्या नहीं, तो मैं पेपर नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको भी बोलता हूँ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन डालता हूँ ना उसको देख लिया करो, एक बार हंसी हंसी में देख लिया करो, ऐसा मजाक में मत देखा करो। खड़े हो जाओ भैया, तो कौन से स्कूल में हो? एवरंजर। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? चल रहा है अच्छा। तो कितना चैप्टर यहाँ पढ़ा के हुआ, साइंस, मैथ और ग्रामर, ये सब? ग्रामर तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बचन ये रिवीजन करना रहेगा, जो करना रहेगा, और साइंस का भी फॉर्मुलेशन हो गया है और टेस्ट भी चालू हो गया है और मैथ का भी फॉर्मुलेशन। अच्छा अच्छा लगता है मैथ पढ़ने में, मैथ और साइंस? तो हम लोग जो पढ़ाते हो समझ में भी आता है, बस बड़ाई कर रहे हो कैमरा के आगे, बड़ाई कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, ऐसा समझ में आता है, मतलब अच्छा लगता है ना। चलो ठीक है, खड़े हो जाओ तो बैठ जाओ। तो कौन से स्कूल में, थोड़ा सा बता दो तुम। ए भैया आर एस दुबे है, इंग्लिश में थोड़ा सा बोले आपको कंफ्यूजन होगा, भैया ये हमारे आर एस दुबे के स्टूडेंट है और अच्छे खासे पढ़ने बहुत अच्छा है। तो कितना हुआ है स्कूल में पढ़ा के साइंस? तीन तीन स्कूल में होगा। और यहाँ पर कितना हुआ, मतलब टेस्ट वोस्ट? रोज तो डेली नहीं होता, हफ्ते में तो होता ही रहेगा, तो नंबर उम्बर आ जाता है अच्छा। कितना लेसन याद है साइंस का? चार चार पूरा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा। तब तो बोर्ड एग्जाम में भी फोड़ोगे। तो भैया कौन से स्कूल में जाते हो? तो सब स्कूल में पढ़ा के हो गया है, होने वाला है। तो यहाँ पर और टेस्ट होता है, और तुम्हारे इधर भी पानी डूब जाता है तो भी आते हो। तो इधर से हमारे सूरज हैं, सूरज से भी मिल लो भैया, नहीं तो बाद में आप लोग बोलते हो ना कि सर वो लड़का वो कौन था नहीं मालूम पड़ा। तो ये सूरज है, और ये सूरज दीवर करके है, और महुरा बाल विकास का टॉपर है हिंदी मीडियम के। तो सूरज कितना चैप्टर स्कूल में मैथ का पढ़ा के हुआ? दूसरा चल रहा है। और यहाँ कितना पढ़ा दिए सर? चार चार हो गया। अब सोचो स्कूल में उतना हुआ है और हम लोग पहले से एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, तो यूनिट टेस्ट में तो हो जाएगा कंप्लीट, और अभी तो 22 अगस्त से मैं सुना पेपर है, तो टेंशन तो है नहीं, सब फोड़ के आओगे, मतलब बहुत अच्छा। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक और है, ये भी बहुत देर से सोच रहे थे मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है, अब आ गया नंबर, टेंशन मतलब आपका नंबर आ चुका है। तो आप बताओ कितना चैप्टर पढ़ के हुआ है? आने तो संडे को मना नहीं करता, वो भी जबरी आते हो यहाँ पर? आते हो ना जबरी? अच्छा कितना साइंस का कितना चैप्टर हुआ? चार चार। कितना लर्न है? तीन तीन। और टेस्ट में कितना कितना नंबर आता है अच्छा कि बस? चलो ठीक है। तो दोस्तों देखो इस तरीके से मेरे पूरे क्लास का जो था वो मैं आप लोग को ब्लॉग में बताया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ, चैनल पे फर्स्ट 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।